नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों वर्म्स यानी कि कीड़े के बारे में। दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉमन मिलती है, आप सभी इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि कीड़े की समस्या सब में देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों को ये परेशानी होती है और बड़े होते होते हम न जाने कितने साल से बिना डीवॉर्मिंग किए ऐसे रहते रहते हैं। लेकिन ये कीड़े की परेशानी कभी कभी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा घातक परेशानियाँ कॉज कर देती हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी वॉर्म्स की मेडिसिंस जो आप बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। ये आपके थ्रेड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों जो हुक वर्म्स होते हैं, टेप वर्म होते हैं, इनका मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगी। आज का जो मेन वीडियो है ये एस्कैरिस जो होता है, जो वाइट वाइट कलर के कीड़े होते हैं लंबे लंबे से, और जो थ्रेड वर्म्स होते हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो दोस्तों और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं वॉर्म्स के बारे में। दोस्तों वॉर्म्स यानी कि कीड़े आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिलने वाली समस्या है। बच्चे बड़े सभी इससे अफेक्टेड होते हैं, लेकिन बड़े थोड़ा सा अपने आप को सोचते हैं कि ओके मे बी मुझे नहीं हो सकता, बट ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ये वॉर्म्स, ये कीड़े आपके शरीर में इतने ज़्यादा सीवियरिटी कॉज कर लेते हैं कि आपको कभी कभी ऑपरेट तक कराना पड़ जाता है। क्योंकि अगर वो आपकी आंतों की दीवारों को या कोई डक्ट है उनकी दीवारों को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतने सीवियर सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं जो आपको इमरजेंसी में एडमिट करने तक की नौबत ला सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अच्छा कारण क्या है, आखिर क्यों हमें ऐसे वॉर्म इन्फेक्शन्स होने लग जाते हैं। देखिए बच्चों में क्या है कि वो कभी कभी मिट्टी खाते हैं या अनडाइजेस्टेड पार्ट खाते हैं, कुछ चौक खाते हैं, इनसे इनके अंदर टेंडेंसी बन जाती है कि वॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। बड़ों में क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं, यानी कि जो शुद्ध जल नहीं ले रहे हैं, या जो हाइजीन प्रॉपर नहीं है, हैंड वॉश नहीं किया, कहीं से कुछ छू छा के आ रहे हैं, बाहर कुछ इन्फेक्शन वाली चीज़ें टच की, उसके बाद आके डायरेक्ट खाना खाने लगे, तो आपके हाथों से इन्फेक्शन आपके मुँह के थ्रू बॉडी में चला जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है घर में जो वाटर सोर्स होता है वो कंटामिनेटेड है, मींस जो आपका जो टॉयलेट है उसका जो जो आई मीन जो सेप्टिक टैंक है वो प्रॉपरली जो बना होता है उसी के पास से अगर आपका वाटर सोर्स जा रहा होता है, तो उससे भी वाटर आपका फीकल कंटामिनेशन हो जाता है, उसमें ऐसे कण चले जाते हैं गंदगी के जो आपके पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, और अगर जब उस पानी को आप पीते हैं तो आपके अंदर वॉर्म्स बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको वॉर्म्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर कैसे लक्षण आपको देखने को मिले कि आप समझे कि आपको वॉर्म्स बन रहे हैं। बहुत बार लोगों को ऐसा होता है कि स्किन रैशेस डेवलप होने लग जाते हैं, पेट में दर्द होता है, बहुत कुछ लोगों में वेट लॉस टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बच्चों में सलाइवेशन देखने को मिलता है, दांत ग्राइंडिंग ऑफ टीथ बोलते हैं जिसको, दांत किटकिटाना, सोते समय दांत किटकिटाते हैं, ऐसे कंप्रेस होकर पेट में उंगली पैर हाथ और पैर को ऐसे धसा के बैठते हैं सोते हैं, मींस नी एल्बो पोजीशन में ऐसे सोने की कोशिश करते हैं बच्चे, स्वीट क्रेविंग बढ़ जाती है, कभी कभी आपको वॉमिटिंग सेंसेशन भी लग सकता है। ये सारी सिचुएशन अगर आपको अगर फील हो रही है और आपने अगर लंबे समय से डीवॉर्मिंग मेडिसिन नहीं खाई हैं, तो आपको एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपको कहीं ना कहीं वॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आपको है और आपने नहीं खाई है दवाएं, तो आप डीवॉर्म जरूर करें अपने आप को, ना कि सिर्फ बच्चों के लिए, आप खुद को भी डीवॉर्म जरूर करें। क्योंकि अगर आप कीड़े की दवा नहीं खाएंगे तो लेटर में भी वो आपके अंदर कुछ ज़्यादा सिवियरिटी कॉज करते। चलिए अब बात करते हैं दवाओं के बारे में। दवाओं के लिए दोस्तों पहले मैं बच्चों के लिए बताती हूँ और बड़ों के लिए मैं, क्योंकि एक मदर टिंचर भी बताऊंगी, वो आप बच्चों को ना दें क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो बच्चों के लिए थोड़ी माइल्ड दवा ही शुरू करें। तो सबसे पहले आपको देनी है दोस्तों सेंटोनाइन 30 पोटेंसी में देनी है, एक बूंद। अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दें, और सिना की 200 पोटेंसी आपको सुबह सिर्फ एक बार देनी है बच्चे को, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं।
स्पेशली ये दोनों ही दवाएं दोस्तों जो आपके राउंड वर्म्स हैं और थ्रेड वर्म्स हैं दोनों के पर बहुत ही अच्छे काम करती है। मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि मैं हुक वर्म्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी या टेप वर्म के लिए, ये मेनली जो आपके स्कैरीज और थ्रेड वर्म्स होते हैं इनकी दवाएं हैं। तो आप बच्चों के लिए ये दोनों दवाएं यूज करें, 15 दिन तक लगातार उनको ये दें और वापस से आप इसको कम से 15 डेज का गैप देके फिर से 15 दिन के लिए एक बार दे दें। तो सेंटोनाइन की 3 बार और सिना की सिर्फ 1 बार सुबह में ये दवाओं को आप रेगुलरली दें। अब आते हैं बड़ों पे। बड़ों को अगर आप दे रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो, या आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया है या कुछ ऐसे इमेजेस कराए हैं, स्कैनिंग कराए हैं और आपको पता चला है कि वॉर्म्स इन्फेस्टेशन आपको है, तो आप अपनी दवाओं को इन मदर टिंचर के साथ शुरू कर सकते हैं। तो बड़े अगर ले रहे हैं तो सिना की 200 पोटेंसी 2 बूंद सुबह में लेनी है एंड सेंटोनाइन 30 पोटेंसी में। इवन आप बड़े ले रहे हैं तो वो 3x पोटेंसी को भी ले सकते हैं अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो, नहीं तो 30 पोटेंसी को ही लें, उसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आपको लेनी है कम से कम 15 से 20 दिन तक। फिर आप 15 दिन का गैप देकर एक बार 15 डेज का कोर्स एक बार वापस से ले लें तो वो आपके रिकरेंसी को कम करेगा। अब बात करते हैं अगर आपको ज़्यादा सिवियरिटी के साथ ये इन्फेक्शन यानी कि वॉर्म्स इन्फेस्टेशन है तो आपको कौन सी मदर टिंचर लेना है। चिलोन मदर टिंचर दोस्तों, ये एक ऐसा मदर टिंचर है जिस जो एक तरह से आप बोलें एनिमी है, दुश्मन है हर तरह के वॉर्म्स के लिए, चाहे वो थ्रेड वॉर्म हो, राउंड वॉर्म हो, स्कैरिस हो, सभी के लिए बहुत बड़ा एनिमी जैसा काम करता है। तो इस चिलोन मदर टिंचर की आपको 10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के सुबह शाम पीना है 2 बार टू नेक्स्ट अप टू 15 डेज। अगर आपको ज़्यादा सिवियरिटी है तो, नहीं है तो वो दोनों सिर्फ दवाओं को ही 15 से 20 दिन खाएं और वापस से शुरू करें 15 डेज के गैप के बाद। ये दवा आप थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशन में ही यूज़ करें, नॉर्मल कंडीशन में मत यूज़ करें। तो दोस्तों इन दवाओं को आप लें और अपनी इस परेशानी को जड़ से ख़त्म कर लें। और दोस्तों कुछ प्रिवेंटिव बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन करने जा रहे हैं हाथों को अच्छे से साफ करके देन भोजन करें। उसकी वाटर इनटेक जो आपका है उस पानी को आप देखें कि जो पानी आप पी रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है। अगर ऐसा है, आप अगर कोई प्योरो यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप पानी को बॉयल करके ठंडा करके रखें तो और उसको तब पी सकते हैं तो जितने बैक्टीरियल इन्वेजन है उसमें वो ख़त्म हो जाएंगे और आप शुद्ध पानी पी सकेंगे। पानी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है दोस्तों कि इन तरह के इन्फेक्शंस के लिए, तो अपने पानी के सोर्स को ध्यान में रखें, कहाँ से आ रहा है, कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं पहुँच रहा, और पहुँच रहा है तो हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। समय समय पर अपनी टैंक्स साफ कराएं, साथ ही क्लोरीन डलवा के रख सकते हैं, फिटकरी डलवा सकते हैं तो उससे जितनी भी गंदगी है वो सेटल हो जाएगी, नहीं तो आप बॉयल करके वाटर लें वो बेस्ट है। और बहुत बार ऐसा होता है जो घड़े होते हैं दोस्तों, जो मिट्टी के घड़े होते हैं आप उसमें पानी रखते हैं वो भी आपकी प्योरिटी को काफ़ी हद तक क्लीन करने में मदद करती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, दवा शुरू करें, स्वस्थ रहें दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।